हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से DIYs किए हैं, किसी चीज़ों को कैसे मैंने रीयूज़ किया है। उसमें है सबसे पहले मेरे पास ये प्लास्टिक बॉक्स। ये प्लास्टिक बॉक्स वो है जिसको हम किचन में यूज़ करते हैं सामान रखने के लिए। और ऐसे मेरे पास दो बॉक्सेस थे जिसको कि मैंने ध्यान नहीं दिया था, और उसमें से एक बॉक्स में मैं बालकनी में अपने क्लॉथ क्लिप्स रखती थी। बाद में मैंने सोचा इसे पेंट करती हूँ, तो जब मैं पेंट करने लगी तो मुझे दूसरा बॉक्स भी मिल गया। तो मैंने इसीलिए दोनों को ही सेम पेंट करके और इसको एक कॉम्बिनेशन के जैसे मैंने बना दिया, जैसे कि अगर मैं इसमें कोई प्लांट्स रखूँ या कुछ भी रखूँगी तो दोनों का सेट रहेगा, तो ये और भी अच्छा लगेगा। इस पे मैंने ऑयल पेंट यूज़ किया है। ऑयल पेंट प्रॉपर जो ब्लैक कलर का ऑयल पेंट आता है, ये बेसिक पेंट है, आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाएगा। तो ये वो पेंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसके ऊपर मैंने व्हाइट कलर से फ्लावर्स बनाया है। ये वाला फ्लावर्स बनाना बहुत आसान है, आप देख सकते हैं, जस्ट ब्रश की हेल्प से स्ट्रोक्स देने से ये फ्लावर्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद ये है एक कार्डबोर्ड बॉक्स जो कि बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रांग है ये। और जब किसी भी कार्डबोर्ड बॉक्सेस पे ना ऑयल पेंट वगैरह कर देते हैं तो ये और स्ट्रांग हो जाते हैं। वैसे भी ऑयल पेंट बहुत थिक होता है, तो अगर किसी भी सरफेस पे आप करेंगे ना तो वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। और ये ऑयल पेंट बहुत अच्छा भी इस बार मिला मुझे, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो इससे मैंने इसे पेंट किया। ऐसे बॉक्सेस को पेंट करके इस पर आप चाहें तो कुछ पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर थोड़े बहुत डेकोरेशन वगैरह करके इसे यूज़ कर सकते हैं। को ये सारे सामान आपको किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में जरूर से दिखेंगे, आपने ऑलरेडी देखा भी होगा। चीज़ों को रीयूज़ करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो वो चीज़ें हमारे घर में यूज़ हो जाती हैं, अगर हमें इंटरेस्ट हो तो हम फिर उस पर कुछ अपना प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। और बाई चांस अगर वो ख़राब हो गई या यूज़ करने के बाद वो ख़राब हो गया तो आराम से उसे फेंक भी सकते हैं। ये है दूसरा बॉक्स जिसको कि मैंने इस कलर से पेंट किया। इस पे मैंने टेक्सचर भी दिया है, पेंट पे मैंने वाइट सीमेंट मिक्स करके और स्पॉन्ज से मैंने किया है, तो ये काफ़ी टेक्सचर्ड और बहुत सुंदर भी लग रहा है। ये जितने भी ये पेंटिंग मैंने किया है, ये सारे पेंटिंग मैंने स्पॉन्ज से किया है, जो कि बर्तन धोने वाला स्कॉच ब्राइट आता है उसके स्पॉन्ज से मैंने किया है। ये है प्लास्टिक रीयूज़ आइडिया। प्लास्टिक को तो मैं बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ करती रहती हूँ। कभी भी प्लास्टिक हमें ना डायरेक्ट फेंकना नहीं चाहिए, उसको हमेशा कुछ ना कुछ यूज़ करके ही फेंकना चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट में कम जाए। इसे मैंने कट कर दिया और जो नीचे वाला पोर्शन है वो है ये बॉटल्स। ऐसे अगर आपके पास बहुत सारे बॉटल्स हों एक ही जैसे, तो आप सबको सेम कलर से पेंट करके और उसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि आप स्पून, स्पैचुलास किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बच्चों के स्टेशनरी के सामान भी रख सकते हैं, स्केच पेन वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। एक को तो मैंने क्रीम कलर के ऑयल पेंट से किया है और दूसरे को ब्लैक कलर से किया है। यहाँ पर मैंने दो टिन कैंस को पेंट किया है। जो आपको राइट साइड में पीच कलर दिख रहा है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा था। उसको मैंने नॉर्मल सा, एक मेरे पास ऐसे ही पेंट पड़ा हुआ था तो उससे मैंने किया, उसको बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन मैंने फिर क्या किया कि इसको थोड़ा सा सेव करने के लिए मैंने इसके ऊपर वार्निश कर दिया, और वार्निश करने से इसमें शाइनिंग आ गई और ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना कि मैट फिनिश लग रहा था। दूसरा वाला जो है वो सेम ऑयल पेंट का ही बॉक्स है। और यहाँ पर मैंने दो बॉटल्स को पेंट किया है। ये जो स्काई ब्लू वाला है ये तो सॉस की बॉटल है, और दूसरा वाला जो है वो जो फ्लेवर वाले ड्रिंक्स आते हैं उसकी बॉटल है। वो बॉटल भी मुझे बहुत सुंदर लगती है। तो ये जो स्काई ब्लू वाला है ना, इसको भी आप देखेंगे कि इस पे मैंने टेक्सचर पेंट किया है, तो मैंने इसके ऊपर वॉल पेंट किया है, और वॉल पेंट में ही मैंने वाइट सीमेंट मिक्स करके और फिर उससे मैंने पेंट किया, तो बहुत सुंदर इस पे टेक्सचर आ गया था एंड इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज कि ये मैट फिनिश था तब। एंड इस पे भी मैंने सेम गलती की, मैंने वार्निश से कोट कर दिया और मैट फिनिश चला गया और उसके ऊपर शाइनिंग आ गई। आप ये एक साइड में देख सकते हैं, छोटा सा पैच रह गया है, इसके ऊपर वार्निश नहीं हुआ है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बट वार्निश होने से मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मैट फिनिश वाला ज़्यादा अच्छा था। सेम यही काम मैंने इस बॉटल के साथ भी किया, ये बॉटल बहुत सुंदर लग रहा था। आई होप कि मेरे पास कोई छोटी मोटी क्लिप होगी, मैं उसको आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जब मैं इसका यूज़ करूंगी। तो बहुत सुंदर पीच कलर का, सेम वही पीछे वाला जैसा आपको कैन दिख रहा है वही कलर था, वेरी ब्यूटीफुल। बट मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने वार्निश कर दिया, तो मैंने उसमें हल्का सा पिंक मिक्स करके किया तो ये अजीब सा कलर इसका निकल के आया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि लास्ट में टचअप देने के लिए मैंने वाइट कलर से इसको हल्का हल्का टचअप दे दिया ताकि ये शेड जैसा दिखे। तो अभी ये फाइनल इसका लुक रेडी हुआ है। तो हम जब DIY करते हैं ना, तो बहुत सारी बार हम फेल भी होते हैं, बहुत सारी बार ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि पसंद बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन स्लोली स्लोली सेम चीज़ करने से, प्रैक्टिस करने से हमें भी एक अच्छे से आइडिया आने लगता है कि कौन सी चीज़ कैसी लगेगी।
उसके बाद ये है अनदर प्लांटर जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी सेम बॉटल का ही पार्ट है, उसको कट करके मैंने, उस टाइम पे मेरे पास कोई पेंट नहीं था तो मैंने फिर उसको वाटर कलर में थोड़ा सा फेविकोल मिला के पेंट कर दिया। तो वाटर कलर में जब भी फेविकोल मिला के पेंट करेंगे ना तो वो एक्रेलिक पेंट के जैसा काम करने लगता है। इसमें मैंने ऊपर स्नेक प्लांट लगाया है। फिर ये है मेरा एक और बॉक्स का प्लांटर जिसमें कि मैंने छोटा सा स्नेक प्लांट लगाया है। इसका शेप भी बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे जब जो कलर समझ में आया मैंने उस कलर से किया, कुछ भी मैंने सोच समझ के कलर्स नहीं किया। मुझे लगा कि येलो के साथ ब्लू अच्छा लगेगा तो मैंने उस कलर से कर दिया। इसी के ऊपर का भी पार्ट है, वो तो मुझे बहुत पसंद आता है, वो तो मेरा फेवरेट है, मैं आपको भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। फिर ये है कुछ और बॉटल्स के रीयूज़, वही सारे बॉटल्स जो नीचे कट किया करके मैंने पीछे लगाया है उसी के ऊपर का पोर्शन है। ये तो मैं हैंगिंग के जैसा यूज़ करती हूँ और ये हैंगिंग में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी विंडो के पास अच्छा खासा लाइट आता है तो मैं वहाँ पे इसको हैंग कर दे रही हूँ। बहुत सुंदर भी लग रहा है इसे हैंग करने में। आप बताइएगा आपको इसमें से कौन सा रीयूज़ पर्पज़ ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे आप प्लांटर चाहें तो बना करके हैंग कर सकते हैं, या फिर आप इसी के नीचे का जो पोर्शन वाला बॉक्स है उसके ऊपर इसको रख के और नीचे वाले में पूरा पानी भर के भी आप कोई प्लांट लगा सकते हैं। वैसे भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और फिर ये है मेरा छोटू सा प्लांटर जो कि चनप्राश की बॉटल का है और ये उसके ऊपर का पोर्शन है। आप देख सकते हैं इसमें नीचे कैप भी है और ये मुझे बहुत पसंद है। एक तो इसका शेप इतना सुंदर है और जिस शेड से मैंने इसको कलर किया है वो शेड भी मुझे बहुत सुंदर लगा। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने कि कुछ दिनों में धीरे धीरे करके किया है। उतना टाइम तो नहीं मिलता है बट जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ। इसके अलावा भी मैंने कुछ चीज़ें किया, जैसे कि मेरे पास शैम्पू की बॉटल्स पड़ी हुई थी उनको मैंने पेंट करके हर जगह घर में मैं जहाँ भी चाहिए हैंड वॉश तो हैंड वॉश के जैसे रखा है। कुछ शैम्पू की बॉटल्स को मैं खाली करके उसमें मैं ऑयल भी रखती हूँ या फिर मैं बॉडी वॉश भी रख देती हूँ। तो ये है पूरा रीयूज़ करने का पर्पज़ मेरा। आप ये कप भी लास्ट वीडियो में देखे होंगे, कितना सुंदर कप है। इसको भी मैंने सेम ब्लैक पेंट से ही किया है। इसमें कुछ भी रख सकती हूँ मैं, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये। अगर आप ऐसा कोई ब्लैक कलर का पेंट करते हैं और आपको उसमें कोई और पॉपअप कलर ऐड करना हो तो आप उसके साथ गोल्ड कलर ऐड कर सकते हैं, तो गोल्ड कलर का पेंटिंग कर सकते हैं या फिर गोल्ड कलर आप उसके ऊपर स्ट्रिप जैसा कुछ डिज़ाइन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रे पेंट। मैं सारी ही चीज़ों को बहुत प्लेन पेंट करती हूँ क्योंकि प्लेन चीज़ें होती हैं तो उनको कहीं पे भी रखने से ना वो पॉपअप होती हैं। तो फिलहाल के लिए ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।